तो राम राम जी, जय जोहार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो ऐसा था कि आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने डेली वाले कैमरे से, नहीं जैसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ। आज मेरा बहुत ही पुराना कैमरा मेरे सामने है, क्योंकि पुराना साल गया है तो पुरानी चीज़ों के साथ आज मैं हूँ। तो जिस ट्राइपॉड पे कैमरा खड़ा हुआ है, ये भी पुराने साल का है, कैमरा भी पुराना है, जो भी सारे इक्विपमेंट लगे हुए ना वो सारे पुराने हैं। तो मुझे लगा पुराने लोगों से बहुत सारी बात मुझे आज करनी है। आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, बस टिके रहना लास्ट तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी को बतानी है। इस साल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ नया सिखाया है, तो मुझे लगा कुछ बातें मैं आपको भी इससे रिलेटेड सिखा सकूँ। तो चलो वीडियो में बात करते शुरू। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को बतानी थी कि 2022 का साल जो था बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा था, क्योंकि ये चैनल मैंने बनाया था करीब 2020 के करीब, तब मैं इसी जगह पे जिस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसी जगह मैं क्या टिकटॉक वगैरह की वीडियो शूट करने आया करता था। तो मेरे को ब्लॉग का ख्याल भी इसी जगह से आया था, और आज पूरे मतलब लगभग 1.5 साल हो गए हमें ब्लॉगिंग करते करते, लेकिन इन 1.5 साल के स्ट्रगल ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। मैं पहले जयपुर रहता था, इसलिए चैनल का नाम मैंने जयपुर का जॉर्डन रखा। फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई, पारिवारिक सिचुएशंस, मेरा परिवार थोड़ा सा लगा मुझे कि बिखर रहा है, तो मैं सब कुछ छोड़े घर पे आ गया। तो घर पे जब मैंने चीज़ों के बारे में देखा कि यार सच में चीज़ों को सिर्फ मैं ही हूँ जो संभाल सकता हूँ, क्योंकि परिवार उस कागार में था कि अभी मैं 2 मिनट की टाइम में तो आपको क्या क्या बताऊँ कि कैसी कंडीशन में था, कैसी में नहीं। पर उस टाइम मेरा सही फैसला था कि अब मैं घर पे ही रुकूंगा, मतलब सारी चीज़ों को लेकर। हालांकि जयपुर में सब कुछ वेल सेटल था, बहुत बड़ा प्रोडक्शन मैंने अपनी ज़िंदगी में खड़ा किया, मात्र 2 साल के रिकॉर्ड में, 2 साल की मेहनत में मैंने बहुत शानदार प्रोडक्शन खड़ा कर लिया जयपुर जगतपुरा। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, GTM मॉल है जगतपुरा में, जयपुर में किसी से भी ट्राई करना वहाँ पर। तो फाइनली मैंने वो जब छोड़ दिया तो घर आया, और घर आके ये सब शुरू कर दिया। तो ये सब शुरू करने के बाद जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव आए, इतनी सारी चीज़ें आई, तो फाइनल जो निचोड़ हुआ मतलब इस 1.5 साल का, वो मैं आज की वीडियो में आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो करते कि जैसे ब्लॉग मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो आपको पता है मेरी फैमिली माहौल थोड़ा गांव से ही है, पूरा गांव का वातावरण आपको पता ही है। आप लोगों से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो मोस्टली लोग गाँव से ही है, तो गाँव में वीडियो बनाना अपनी मतलब परिवार को इस तरह से कोई खाना बना रहे तो दिखाना, या फिर कोई काम करा तो दिखाना, बहुत सारे लोगों की मुझे कमेंट्स भी आ रही थी कि यार तुम क्या है चीज़ दिखा रहे हो, कि तुम्हारी घर वाली रोटी बना रही है इसको भी दिखा रहे हो तुम, मतलब जो भी काम करे वो सारा दिखा रहे हो। तो गांव के लिए एकदम पागलपंती थी ये सारी चीज़, लेकिन मैंने फिर भी बनाया, लोगों के लिए हटके कंटेंट शुरू किया। आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन सबके साथ एक कॉमन सी चीज़ें हैं कि उन लोगों के साथ अपना परिवार जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखते हो कि मेरे घर में मेरे अलावा कोई क्लिप नहीं लेता, मतलब यानी सारे काम मैं ही करता हूँ। तो मेरे परिवार वालों ने ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं करी कि मतलब वो खुद आगे से ब्लॉग बनाए, और सच बताऊँ तो आज भी उनको इस चीज़ का पता नहीं है कि ब्लॉग बनाने से क्या तो फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या हमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सच बता रहा हूँ, आज भी मेरा परिवार इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ है, मतलब उन्हें सच में नहीं पता कि इन चीज़ों से क्या फ़ायदे हैं क्या। तो इसलिए मेरी फैमिली थोड़ी सी नेचुरल नज़र आती है आपको, कि जो भी होता है मैं नेचुरली रहता हूँ, नेचुरली आज आपके सामने हूँ, नेचुरली मेरी सारी हरकतें सारी चीज़ें होती है। तो ये तो रहा परिवार और मेरे साथ ब्लॉग का कोलेब्रेशन, कि परिवार ने किस तरह सपोर्ट किया, किस तरह से नहीं। बस ये है कि उन्होंने कभी रोका टोका नहीं कि चलो मैं जो कर रहा हूँ, तो उनको लगता था कि चलो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लाइक मैं भी थोड़ा सा ज़िद्दी हूँ कि मैं बस वो करता हूँ जो मेरे मन में आता है कि यार ये काम हमारे लिए सही है तो मैं कर देता हूँ। बाकी नेगेटिव रिजल्ट मैंने कभी नहीं दिए, नेगेटिविटी ना तो मैंने अपने पास रखी ना मैं रखूँगा, तो ऑटोमेटिक फैमिली इस चीज़ में इन्वॉल्व, और धीरे धीरे करके अब चल रहा है, धीरे धीरे करके मेरे परिवार वाले समझ रहे हैं ब्लॉग की इंपॉर्टेंस, समझ रहे हैं कि चलो ये चीज़ अच्छी है, इससे लोग हमें जान रहे हैं, इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, क्योंकि वो भी आप लोगों की कमेंट्स पढ़ते हैं। मेरे पिताजी है, छोटा सा फ़ोन है उनके पास जियो का, जिसमें वो वीडियो देखते हैं, तो मतलब ऐसा है कि मैं कभी घर में एंट्री करता हूँ तो आवाज़ आती रहती है, क्योंकि जियो के फ़ोन में ईयरफोन नहीं लगती, ना कभी ब्लूटूथ लगता, तो आवाज़ आएगी तो मुझे पता चलता है वो मेरी वीडियो देखते हैं। तो मतलब बड़ा खुशी का माहौल रहता है घर में कि यार चलो मेरी वीडियो है, तो उनको बनने के बाद मेरे पिताजी भी देख रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और जब मैं जयपुर जाता हूँ, जयपुर के आसपास के शहरों में, दौसा हुआ, कोटा हुआ, अलवर हुआ, यहाँ तक कि हम चंडीगढ़ तक गए थे, मतलब काफ़ी दूर दूर तक गए, तो एक चीज़ मैंने देखी कि मतलब कॉमनली ना तो या तो यूट्यूब के फैंस मिले हैं या फिर इंस्टाग्राम के फ़ैन मिले हैं, लेकिन हमें चाहने वाले ज़रूर मिले हैं।
तो मैं दिल से शुक्रिया अदा, दिल से बहुत सारा आभार व्यक्त करूँगा उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए और लोगों के लिए, मेरे सभी चाहने वालों के लिए जिन्होंने पिछले पूरे साल में इतना अच्छा प्यार आप लोगों ने बनाए रखा, इतनी सारी बातें आपके साथ मैंने करी, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी कमेंट्स के ज़रिए, इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने सिखाई मेरे ज़रिए। क्योंकि मेरा ब्लॉग बनाने का मोटिव मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरे साथ यही रहा था कि सबसे पहला तो कि मैं अपनी भाषा एंड स्किल सुधार सकूँ, क्योंकि मुझे ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता था। क्योंकि आपको पता है मैं एक ऐसे माहौल से हूँ जहाँ पे बात शुरू होने से पहले 15 गालियाँ निकल जाती है और बात ख़त्म होने से पहले 15-20 गालियाँ ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे मैंने अपनी भाषा स्किल सुधारी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, भले ही अचीवमेंट कम हुआ हो लेकिन बड़ी बात है। अब इसके जस्ट बाद आती है कि इसके अलावा मेरा एक रहा था कि मैंने इतनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है एक चीज़ को पाने के लिए, जिस चीज़ से वीडियो बन रही है उस कैमरे को हमने किस्तों पे खरीदा, तो मुझे पता है कि मैंने कैसे कैसे करके की किस्त दी है इसकी, एक एक किस्त मैंने मतलब मान लो कि रात रात भर जाग के मतलब शादी में वीडियो बनाई है, फोटोग्राफी करी है, बहुत सारे लोगों की गालियाँ सुनी। आपको पता है शादियों में बहुत गंदा माहौल रहता है, क्योंकि पहले मैं इतना पॉपुलर नहीं था, लोग नहीं जानते थे, लोगों का इतना प्यार नहीं था, तो मतलब यही है। अब ज़रूर माहौल चेंज हो गया है, लोगों की सोच बदल गई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा स्ट्रगल रहा है जो मैं अभी इन शब्दों में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कह सकता हूँ मैं हक से कि मैंने जो भी किया है आप लोगों के प्यार और दुआओं की वजह से सब पॉसिबल रहा है कि आज जितना भी है, भले ही वो दुनिया की नज़रों में कम हो, लेकिन मेरे लिए एक एक चीज़, एक एक सब्सक्राइबर, एक एक व्यूअर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमत रखता है। जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियो में आज भी 10,000 से नीचे व्यू आते हैं, तो बहुत सी बार मन करता है कि यार ब्लॉग बनाना छोड़ दूँ, ब्लॉग बनाना बंद कर दूँ, ऐसा दिमाग में कई बार आया भी है, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मेरे लिए एक एक शख्स इंपॉर्टेंट है। भले ही जिस दिन मेरा एक भी व्यू आएगा ना, तब भी मैं वीडियो बनाऊँगा, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि मेरे व्यू कितने आ रहे हैं, सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर हमेशा रहेगा कि डेली क्या सुधार करने हैं और डेली क्या आप लोगों को सिखाना है। हो सकता है किसी दिन ऐसा बंदा मेरी वीडियो देखे जिसको एग्जैक्ट मेरी उस बात की ज़रूरत हो जिस बात को मैंने वीडियो में अभी अभी बोला है। हो सकता है मेरा मोटिवेशन किसी को इतना अच्छा लग जाए कि उसका ज़िंदगी बदल जाए या जो कुछ भी हो जाए। तो मेरा मोटिव कभी भी सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं रहा, कभी भी अच्छे व्यू लाना नहीं रहा, कभी भी पैसे कमाना नहीं रहा, कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, सच बता रहा हूँ। मतलब जैसे कि आपको पता है कि जो राजकुमारी है, मुझे पता है कि मेरा फैमिली माहौल की वजह से लोग आप वीडियो देखते हो, ना कि मेरी वजह से, क्योंकि मैंने कंटेंट ही फैमिलियर वाला बनाया है। अगर मेरा कंटेंट बनाता तो मेरे जैसे सब्सक्राइबर आते हैं, आप लोग फैमिली पसंद करते तो फैमिली वाले व्यूज़ हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर मैं चाहता तो जब भी मैं जयपुर जाता, महीने में 4-5 बार जयपुर चला जाता, मैं राजकुमारी को साथ लेके जाता, अच्छे व्यू आते तो अच्छी इनकम होती, सीधी सी बात है। लेकिन मैंने कभी भी पैसे को वरीयता नहीं दी, अपने फैमिली परिवार काफ़ी सारी सिचुएशंस इन सबको सबसे पहले रखा, क्योंकि मेरा मानना है कि सिचुएशन जैसे जैसे ठीक होती चली जाएगी, चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएगी। तो मेरे को लग रहा है कि इन बातों से मैंने आपको काफ़ी सारा पका दिया। अब चलो दूसरे किसी टॉपिक पर आते हैं। तो ये सब तो रहा कि काफ़ी सारा स्ट्रगल जो हुआ, कैसे हुआ, जो कुछ भी है। तो अब दरअसल बात करते हैं कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अब आने वाले 2-4 दिनों में वीडियो नहीं मिलेंगी आपको देखने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने साल के पूरे साल आपको काम दिया है, शायद ही मेरे गिने चुने मतलब 6-7 दिन ऐसे रहे होंगे पूरी साल में जिनमें मैंने वीडियो नहीं डाली, नहीं तो पूरे साल आपको वीडियोस दिए, आपने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा मानना है कि अब 28 हो गया, आज तो 29, 30, 31, मैं 3 दिन मतलब थोड़ा सा रिलैक्स लेना चाहूँगा, थोड़ा सा ज़िंदगी को मतलब बिना मोबाइल बिना वगैरह वगैरह ऐसे जीना चाहूँगा 3 दिन के लिए ओनली। तो 3 दिन तक मेरा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। अब बात करते हैं कि ये रिलैक्सेशन के बाद मैं साल की शुरुआत में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अलग डिफरेंट, मतलब जो हमारे काम है, जो पिछले 2022 में मैंने एक बार भी नहीं किया, लेकिन वो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है वो सब करने का। मतलब चलो छोटी सी हिंट में बता देता हूँ कि फिल्म मेकिंग मेरा बहुत शुरुआत से सब्जेक्ट रहा था, मैं 3rd क्लास में था तब से स्टेज पर एक्टिंग वगैरह करता था, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो जो मैं करना चाहता था। 2020 में हमने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उनसे काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन 2020 में मैं इतना कुछ सीख नहीं पाया, तो मुझे लगा 2021 मुझे लर्निंग के लिए देना चाहिए। तो 2021 की शुरुआत में भी हमने मूवीज़ वगैरह करी थी, लेकिन 2021 के बाद अचानक सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई कि मैं घर पे आ गया टोटली। अब घर पे ब्लॉग्स वगैरह बनाना, इतने सारे लोगों को हैंडल करना, मतलब फैमिली वगैरह में कि उनको इस ब्लॉग की इंपॉर्टेंस समझाना, तो उन सब चीज़ों से मुझे वो उस काम के लिए वक्त नहीं मिला जो मुझे एक्चुअल में करना था। मतलब तो 2023 जो आने वाली है,
उसमें मैं इतने सारे लोगों के सामने, मुझे नहीं पता व्यू कितने आएंगे इस वीडियो को, कितने सारे लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है मेरी बातों में, कितने को नहीं। तो ये है कि 2023 में हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे करियर से रिलेटेड होगा। ये तो था कि मतलब हमने अपनी लाइफ स्टाइल सुधारी है और आप लोगों को गांव का जीवन दिया है दिखा के, हमारी स्ट्रगल स्टोरी आपके सामने पेश करी है जो आपकी काफ़ी पसंद आ रही है। तो ब्लॉग्स तो कंटिन्यू रहेंगे लेकिन फिल्म मेकिंग वगैरह कुछ काम स्टार्ट होंगे, प्लस में मतलब काफ़ी सारे ऐसे काम स्टार्ट होंगे जो हमारे ड्रीम से रिलेटेड है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो सब रहा मेरे बारे में। अब मैं 2023 में आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी सारे व्यूवर हैं, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरी बातों का कितना पे असर पड़ेगा कितना पे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे चीज़ें बतानी चाहिए। तो मैं आप लोगों को चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मैंने पिछले साल में थोड़ा सा सीखा है, देखा है, मतलब तो उस जरिए जो मेरी एज के हैं मुझसे थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से मुझसे छोटे भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि जो एग्जैक्ट कुछ करना चाह रहे हो ज़िंदगी में मेरे इस फील्ड में, या फिर मतलब रिलेटेड फील्ड में, जैसे इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाना चाह रहे हैं, मतलब टोटल एक वर्ड में कहूँ तो जो लोग सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा। बस वैसे तो ये मैसेज सबके लिए, लेकिन मोस्टली सोशल मीडिया पे लाइफ बनाने वाले लोगों के लिए ही है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो सीधी सी बात है, सुबह उठो, अपना दिन का लक्ष्य निर्धारित करो। ऐसे नहीं कि एक साल पहले का लक्ष्य आप निर्धारित कर लो कि यार मुझे एक साल बाद ये करना है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। डेली सुबह सोचो आपको कि करना क्या है, उसे सुबह लिखो और दिन भर में वो काम कंप्लीट करो जो तुम्हें सुबह करना है, बस एग्जैक्ट। इसके अलावा एक सबसे बड़ा नियम ये भी है कि संयम रखो, टाइम लगता है रिजल्ट को मिलने में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार 15-20 दिन से हमारे व्यू नहीं आ रहे, या फिर ऐसा लग रहा है कि यार कुछ होगा नहीं। तो मैं उनसे सभी से कहना चाह रहा हूँ भाई, काम आपको रेगुलर करना है, आपको उस चीज़ का इंतजार नहीं कर रहा है कितने मेरे व्यू आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, क्या क्या जो भी रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट को कभी नहीं देखना आपको, रेगुलर बस अपना 100% देना है, रिजल्ट खुद ब खुद ऑटोमेटिक एक दिन मिलेगा आपको, बस उस चीज़ का इंतजार करना है, संयम रखना है आपको, बस कठिन परिश्रम। इतना कहना काफ़ी होगा शायद मेरे लिए, नहीं बाकी तो चीज़ें बहुत सारी है। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम 5 से 7 घंटे चाहिए, 5 से 7 घंटे की वीडियो आप सहन भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके कानों से खून निकल जाएगा, मेरी बातें इतनी बोरिंग होती है कई बार, तो क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से समझाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो चलो ये तो रहने देते हैं। तो इस साल जिन जिन का भी सपोर्ट रहा पूरे दिल से, और मैं ऐसा है कि 1 तारीख को जो वीडियो लाऊंगा आपके लिए उसमें नाम भी बताऊंगा आपको कि मतलब किन किन सब्सक्राइबर्स मेरे खासकर मोस्टली रहे हैं जो शुरुआत से लेकर लास्ट तक अब तक बने हुए हैं, और इनसे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव भी रहा है, पर्सनली मैं लोगों से जुड़ा हूँ। मेरा एक सबसे बड़ी खासियत रही है मेरे ब्लॉग्स की कि मैंने जितने भी सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं मैं सबसे पर्सनली बॉन्ड रखा है, मतलब सबको पर्सनली रिप्लाई किया है, तो मेरा सभी से अलग ही तरह का लगाव रहा है और सारे सब्सक्राइबर से, तो उन सभी का दिल से धन्यवाद। और बाकी जितने भी सारे इस साल मुझे लोग मिले उन सब के लिए भी धन्यवाद कि मैंने किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ सीखा है, हर किसी से कुछ ना कुछ लिया है, हर किसी से कुछ ना कुछ मतलब दिया ही होगा, सिखाया भी होगा, तो उन सब के लिए धन्यवाद। तो अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है, तो आज के लिए काफ़ी है वैसे तो इतना। वैसे मैं बोलना तो बहुत कुछ मन में लेके आया था, मैंने लिखा तो कुछ भी नहीं, लेकिन अभी मैं यहाँ के भूल रहा हूँ थोड़ा सा कि और किस किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से वीडियो की टाइमिंग काफ़ी लंबी हो गई, तो काफ़ी है इतना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलते हैं आपसे 1 तारीख को एक अलग ही वीडियो के साथ, तो वीडियो भी थोड़ी सी अलग ही तरह की होगी क्योंकि 2-3 दिन की रिलैक्स के बाद देखते हैं हम क्या निकाल के लाते हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हमें लेनी है जयपुर में जाके, कुछ अलग ही लेवल की वीडियोज सबसे बनेंगी और काफ़ी सारे नए काम। तो वीडियो के एंड में सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और पुराने साल मैंने जिन किसी का भी, मुझे नहीं पता किसका दिल दुखाया हो, गलती से भी दुखाया हो, वैसे मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी से बुरा भला कहा हो या बहुत सारी चीज़ें जो मुझसे रही हो, क्योंकि वो कहते हैं कि एग्जैक्ट तुम ध्यान नहीं रख सकते कि कभी किसी का दिल ना दुखाओ, तो मैं उन सभी से दिल से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, पैर भी छू सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखाओ, उन सब के लिए बहुत बहुत माफ़ी और हैप्पी न्यू ईयर नई साल के लिए, और पुरानी साल में जो भी गले सक उनको माफ़ कर देना, एक बार फिर से बोलूँगा। तो राम राम जी, जय जोहार, मिलते 1 तारीख को, धन्यवाद। सवाल जवाब आपके रह गए हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती जो मैं कवर नहीं कर पाया, कुछ मोस्टली जो जानना चाह रहे हो, तो मैं लाइव आऊँगा शायद 30 से 31 तारीख को शाम को करीब 9 या 10 बजे, तब आपको जुड़ना है और उस टाइम बातें करनी है बहुत सारी आपसे। तो चलो मिलते हैं 1 तारीख को, राम राम जी, जय जोहार, और एक बार फिर से सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं।